जिनको भी महाभारत में इंटरेस्ट है या स्टोरी पढ़ना पसंद है उनको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था जरासंध के विषय में, युधिष्ठिर को बताना और राजसु यज्ञ के बारे में कृष्ण का विचार, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक्स में दे दिया या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे भी क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है जरासंध को जीतने के विषय में, युधिष्ठिर के उत्साहहीन होने पर अर्जुन का उत्साहपूर्ण उद्गार। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण मैं सम्राट के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखकर स्वास्थ्य साधन में तत्पर हो केवल साहस के भरोसे आप लोगों को जरासंध के पास भेज दूँ। मतलब कैसे भेज दूँ? भीमसेन और अर्जुन मेरे दो नेत्र हैं और जनार्दन आपको मैं अपना मन मानता हूँ। अपने मन और नेत्र को खो देने पर मेरा ये जीवन कैसा हो जाएगा? जरासंध की सेना का पार पाना कठिन है, उसका पराक्रम भयानक है। युद्ध में उस सेना का सामना करके यमराज भी विजय नहीं हो सकते, फिर वहाँ आप लोगों का प्रयत्न क्या कर सकता है? आप लोग किस प्रकार उसे जीतकर फिर हमारे पास लौट सकेंगे? यह कार्य हमारे लिए इष्ट फल के विपरीत फल देने वाला जान पड़ता है। इसमें लगे हुए मनुष्य को निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति होती है, इसलिए अब तक हम जिसे करना चाहते थे उस राजसु यज्ञ की ओर ध्यान देना उचित नहीं जान पड़ता। जनार्दन, इस विषय में मैं अकेला जैसा सोचता हूँ, मेरे उस विचार को आप सुने। मुझे तो इस कार्य को छोड़ देना ही अच्छा लगता है। राजसु यज्ञ का अनुष्ठान बहुत कठिन है, अब यह मेरे मन को निरुत्साह कर रहा है। भीष्म पितामह जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन उत्तम गांडीव धनुष, दो अक्षय तुनीर, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उत्साहित होकर वे युधिष्ठिर बोले। अर्जुन ने कहा, राजन, धनुष, अस्त्र, बाण, पराक्रम, श्रेष्ठ सहायक, भूमि, यश और बल की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, किंतु ये सभी दुर्लभ वस्तुएं मुझे अपनी इच्छा के अनुकूल प्राप्त हुई है। अनुभवी विद्वान उत्तम कुल में जन्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, परंतु बल के समान वो भी नहीं है। मुझे तो बल पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। महापराक्रमी राजा कृतवीर्य के कुल में उत्पन्न होकर भी जो स्वयं निर्बल है वो क्या करेगा? निर्बल कुल में जन्म लेकर भी जो बलवान और पराक्रमी है वही श्रेष्ठ है। महाराज, शत्रु को जीतने में जिसकी प्रवृत्ति हो वही सब प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है। बलवान पुरुष सब गुणों से हीन हो तो भी वो शत्रुओं के संकट से पार हो सकता है। जो निर्बल है वो सर्वगुण संपन्न होकर भी क्या करेगा? पराक्रम में सभी गुण उसके अंग बनकर रहते हैं। महाराज, सिद्ध मनोयोग और प्रारंभ के अनुकूल पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है। कोई बल से संयुक्त होने पर भी प्रमाद करे, कर्तव्य में मन न लगावे तो वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। प्रमाद रूप छिद्र के कारण बलवान शत्रु भी अपने शत्रुओं द्वारा मारा जाता है। बलवान पुरुषों में जैसे दीनता का होना बड़ी भारी दोष है, वैसे ही बलिष्ठ पुरुषों में मोह का होना भी महान दुर्गुण है। दीनता और मोह दोनों विनाश के कारण है, अतः विजय चाहने वाले राजा के लिए वे दोनों ही त्याग्य है। यदि हम राजसु यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का विनाश तथा कैद में पड़े हुए राजाओं की रक्षा कर सके तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है? यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारी अयोग्यता एवं दुर्बलता का प्रकट होती है। अतः राजन, सुनिश्चित गुण की अपेक्षा करके आप निर्गुणता का कलंक क्यों स्वीकार कर रहे हैं? ऐसा करने पर तो शांति की इच्छा रखने वाले सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र ही हमें सुलभ होगा, परंतु हम लोग साम्राज्यों को प्राप्त करने में समर्थ हैं, अतः हम लोग शत्रुओं से अवश्य युद्ध करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की चैप्टर, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलता है अगले चैप्टर पर। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन की बात का अनुमोदन तथा युधिष्ठिर को जरासंध की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।